अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। नाज़रीन, हुकूमत में आने से पहले हम देखते थे कि असद उमर और इमरान खान डॉलर में इजाफे और रुपए की कदर में कमी पर बेजा तनकीद करते दिखाई देते थे, लेकिन जैसे ही हुकूमत का टेन्योर आया तो हमने देखा कि मजमूई तौर पर डॉलर की कीमत में 19 रुपए इजाफा हो गया। आखिर डॉलर की ये ऊंची उड़ान का जिम्मेदार कौन है? आखिर कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा कि इसी तरह से मौशी सूरत हाल बनती बिगड़ती हमें दिखती रहे मिलेगी, और फिर हुकूमत की यूं ही तिफल तसलियां भी हमें सुनने को मिलेंगी। इसके साथ आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे, हुकूमत फिर से निगोशिएशन शुरू करने जा रही है कतर के साथ एलएनजी मुआहदे पर। इसके क्या असरात होंगे? क्या हुकूमत तैयार है कि कतर के साथ से नाराजगी मोल ली जा सके? साथ ही साथ आज के हम प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात की। पाकिस्तान काइंड जेस्चर में एक हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन फिर से हमें दिखाई देती है भारत की हठधर्मी। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे मौजूद मेहमान भी मौजूद हैं। आइए उन आपका तारुफ कराती हूँ। सबसे पहले हमारे साथ लाहौर स्टूडियो से हमारा साथ देने के लिए हैं इरशाद अहमद आरिफ साहब, और उनके साथ हमारे साथ होंगे जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे, और डॉक्टर इमरान उल हक हमें इकराम उल हक लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि फिरदौस शमीम नकवी कराची से हमें ज्वाइन करेंगे, और डॉक्टर हसन अस्करी लाहौर से हमारा साथ देने के लिए मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी डॉक्टर इकरामुल हक से, जो इकोनॉमिस्ट हैं। डॉक्टर इकराम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो आप ये फरमाइएगा कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने तो हमें क्लियर कर दिया है कि हमारे निज़ाम में जो मॉनिटरी पॉलिसी है इसका इख्तियार है एक्सचेंज रेट और इंटरेस्ट रेट को सेट करने में। डॉलर का मामला तलब और रसद का है, क्या फाइनेंस मिनिस्टर इस स्टेटमेंट के बाद बरी जमा हो गए, उनका कोई अमल दखल नहीं? देखिए, एक्सचेंज रेट को एक आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता, और जो क्रिटिसिज्म तनकीद हो रही है वो हमारे यहाँ चीज़ों को आइसोलेशन में देखने की वजह से होती हैं। और इससे पहले भी जिसने भी ये तनकीद की, चाहे वो पिछला दौर था या आपका दौर था, हम बुनियादी मसले की तरफ तवज्जो नहीं देते कि आपके यहाँ जो रिज़र्व्स की कमी होती है उसको पूरा करने के आपके पास क्या तरीके हैं। यानी एक तो ये है कि आपके रेमिटेंसेस बढ़ें, दूसरा यह है कि आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आए, तीसरा यह है कि आपकी एक्सपोर्ट बढ़े। जब हम फॉरेन करेंसी की बात करते हैं तो फॉरेन करेंसी के ज़राए जो हैं वो भी हमें देखने पड़ेंगे, या हम अपनी एसेट्स को जो बेकार पड़े हुए हैं उनको ऐसा दूसरे ममालिक आकर हमारे उन एसेट्स में शामिल होकर हमारे साथ जॉइंट वेंचर भी कर सकते हैं। हमने इन चारों चीज़ों के ऊपर कोई देर पा पॉलिसीज़ नहीं बनाई। इसमें इस हकूमत को आए तो 100 दिन हुए हैं, मगर आप ये देखिए कि एक डेकेड ऑफ डेमोक्रेसी हम गुजार कर आए हैं 10 साल। उससे पहले चलो छोड़िए, क्या करते थे जो हमारे, हम कहते हैं जी आमरीत के दौर में तो उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी, डैम नहीं बनाते थे, वो सिर्फ अपनी मर्ज़ी के काम करते थे। इन 10 सालों में भी कोई डायरेक्शन देने में हम कामयाब नहीं हुए जिससे हमें बार बार इन मसाइल का सामना ना करना पड़े। मैं इसमें असद उमर साहब को कोई ब्लेम नहीं करता, जो छोड़ कर गई है लेगेसी पिछली हकूमत। आप गौर करें कि उन्होंने जाते हुए अपने तकरीबन 6 महीनों के अंदर पूरी कोशिश की, उन्हें शायद इस बात का यकीन हो चुका था कि अब वो इक्तदार में नहीं आएंगे, और वो जितनी एक दीदा दनिस्ता तौर पर इतनी गलत पॉलिसी से, और मार्केट के अंदर उन्होंने डॉलर जो थे 9 बिलियन डॉलर, देखिए स्टेट बैंक से उन्होंने ओपन मार्केट में फ्लोट कर दिए, ये सोचे समझे बगैर कि अगर हम वक्ती तौर पर डॉलर को देर पर रखेंगे भी तो क्या फ़ायदा होगा। जैसे ही वो लिड हटेगा आपकी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का ही बैलेंस जो है वो 18 बिलियन डॉलर का लॉस है, उसको कैसा पूरा करेंगे? तो देखिए, ये अभी हमें ये बिटर पिल्स लगती हैं, मगर हमें इसको लेना पड़ेगा, हौसले से इसको बर्दाश्त करना पड़ेगा, और हमें अपनी स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स करके इसको ओवरकम करना पड़ेगा, वरना ये मर्ज बार बार आता रहेगा। अलामतों का इलाज ना करें, कॉजेज को रिमूव करें। ठीक है, आप हमारे साथ रहिए। फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ हैं, पीटीआई लीडर हैं, ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली में भी हैं। गलत पॉलिसियां तो बेजा पिछली हुकूमत करती रही है, इसी वजह से हमने देखा था कि असद उमर माजी में उनको तनकीद का निशाना भी बनाते रहे जब भी डॉलर ने ऊंची उड़ान लेने की कोशिश की। लेकिन अब हम देखते हैं कि असद उमर स्टेट बैंक को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं। तो शमीम साहब, क्या वजह थी कि असद उमर जो है पहले से जानते नहीं थे कि स्टेट बैंक ही रिस्पॉन्सिबल है, या ऑपोजिशन की वजह से वो मजबूर थे तनकीद करने पर? नहीं नहीं, देखिए, जो तनकीद जिसका आप जिक्र कर रही, सबसे पहले तो पीटीआई हमेशा इस बात के ऊपर इसहाक डार साहब को तनकीद करते रही कि आपने रुपी को आर्टिफिशियली प्रॉप किया हुआ है, जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स बुरी तरह मुतासर हो रही। हमने उनके ज़माने में तो रुपी डिवैल्यू हुआ ही नहीं, जबकि और उसका उसी की वजह से अब इतनी ज़ोरदार तरीके से डिवैल्यू। इससे कि अगर आप जैसे कि
डॉक्टर साहब ने कहा कि आपने कॉजेस को तो एड्रेस किया नहीं, आपकी इंपोर्ट्स बढ़ती गई और आपकी एक्सपोर्ट्स घटती गई। अब इन दोनों का जो डिफरेंशियल जितना बढ़ता जाएगा किसी वक्त ना किसी वक्त, और आप उसमें अपनी, चलिए रेमिटेंसेस आर अ पॉजिटिव फ्लो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज द थर्ड थिंग विच ही आइडेंटिफाइड एंड इट्स दैट्स द फैक्ट के जाए कि जब आप जितनी आपकी इंपोर्ट्स हैं अगर आप इन्वेस्टमेंट के जरिए डॉलर और रेमिटेंसेस के जरिए डॉलर और एक्सपोर्ट्स के जरिए जो डॉलर आ रहे हैं इनको बराबर अगर नहीं करेंगे तो आपको अपनी कहीं ना कहीं ये करंट अकाउंट डेफिसिट को ख़त्म करने के लिए कुछ इकदाम लेने, वो नहीं ले सकी है पिछली हुकूमत और वो इतना बड़ा डेफिसिट छोड़ के गई है। असद उमर साहब एक्चुअली ये कंट्रोल जो है ये स्टेट बैंक के पास होना चाहिए और ये पावर डिवॉल्व की है हमने, देयरफॉर द स्टेट बैंक को टाइमली इंटरवेंशन अगर करनी थी, अगर उनके पास रकत थी और वो समझते हैं कि डॉलर को किस रेट पे रहना था, दे वुड हैव टू, जिसे कहते हैं डॉलर को मार्केट में रिलीज करते और शॉर्टफॉल नहीं होती, ये तो सप्लाई एंड डिमांड वाली बात है, क्योंकि एकदम से डिमांड ज़्यादा हुई डॉलर की और सप्लाई मौजूद नहीं थी तो उसकी कीमत बढ़ गई। ये स्टेट बैंक के पास ही रहना चाहिए, इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है वो गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, मॉनेटरी कंट्रोल जो है स्टेट बैंक के पास होना चाहिए। मेरे ख्याल से ये हमारे मैनिफेस्टो का भी हिस्सा था और हम इस पॉलिसी पे चल भी रहे। बिल्कुल, अगर डॉलर में इजाफा होता जाएगा यकीनन इसके मौशी असरात भी होंगे और इन द एंड गरीब आवाम को इसका बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इरशाद साहब से होगा। इरशाद साहब, हुकूमत माजी में कुछ और कहती रही, अब कुछ और उसकी स्टेटमेंट है, लेकिन इन द एंड आप मैं हम सब जानते हैं कि गरीब आवाम की फलाह के लिए ही लॉन्ग रन पर गवर्नमेंट सोच रही है काम करने के लिए, इस पर भी मैं आपका कमेंट चाहूंगी। और दूसरा ये कि हुकूमत जो है वो कतर से एलएनजी मुआहदा की जो निगोसिएशन की तरफ जा रही है, हुकूमत का ये टेक है कि वो मुआहदा महंगा भी है, उसे निभाना भी मजबूरी है, और 5 साल का पिछली गवर्नमेंट का टेन्योर था लेकिन 15 साल का ये मुआहदा किया गया, आपको क्या लगता है हुकूमत क्या सोच रही है, ये कितना मफाद में है निगोशिएट करना? पहली बात तो ये है कि ये डॉलर का जो मामला है ये ठीक है, डॉक्टर साहब ने जो कुछ कहा, जो कुछ फिरदौस शमीम नकवी साहब कह रहे हैं दुरुस्त है, लेकिन क्या रेमिटेंसेस को बढ़ाने के लिए हुकूमत को जो इकदाम करने चाहिए 100 दिन में उन्होंने कुछ किया है? देखें, बढ़ाने का मतलब ये है कि बैंकिंग चैनल से पैसे आएँ, ये नहीं होगा कि वो पैसे बढ़ जाएंगे। जो लोग कमा रहे हैं, जितना कमा रहे हैं और जितना वो अपने रिश्तेदारों को या मुल्क में इन्वेस्टमेंट के लिए, वो तो उतना ही भेजेंगे, उसमें तो इजाफा नहीं हो सकता। इजाफा इस तरह होगा कि बैंकिंग चैनल से वो भेजें। क्या इस हुकूमत ने 100 दिन के अरसे में कौम को ये बताया है और या बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को, तारकीन वतन को बताया है कि आप अगर बैंकों के ज़रिए भेजें तो आपको क्या सहूलत मिलेगी? एक दूसरा ये है कि आपके रिश्तेदारों को वो पैसे आसानी से मिल जाएंगे। होता यूँ है कि हुंडी के जरिए वो दूसरे तीसरे दिन पैसे मिल जाते हैं, बैंक के जरिए कई दिन तक था ना कि इसको डिफाइन करती। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि जो हुकूमत की जिम्मेदारी है, ये काम जो है ये हुकूमत ने करना है कि आप तारकीन वतन को ये सहूलत फराहम करें, ये तरगीब दें, उन्हें अंदाज़ा हो कि जनाब हम पैसे बैंकिंग चैनल के जरिए भेजेंगे तो महफूज भी होंगे और उन पर कोई बहुत ज़्यादा टैक्स भी नहीं पड़ेगा, और तीसरा ये है कि वो जल्दी हमारे अजीज़ व अकारिब को जो ज़्यादातर देहातों में रहते हैं, छोटे कस्बों में रहते हैं, वो मिल जाएंगे। ये एक चीज़ थी। दूसरा ये था कि इनको ये पता था जो माजी की जो भी पॉलिसीज चल रही थी, ये अगर सऊदी अरब भी गए हैं, चाइना भी गए हैं, UAE भी गए हैं, अब मलेशिया से हो आए हैं, तो हमें तो नज़र ये आ रहा था कि जो कर्ज़े ले रहे हैं या ग्रांट्स ले रहे हैं या इमदाद मिल रही है, इसके नतीजे में ये डॉलर की कीमत जो है वो मुस्तहकम होगी। ये कहना तो आसान है कि जिससे एक्सपोर्ट बढ़ेंगी वो बढ़ेंगी, लाजमन होगी, लेकिन जो आपके कर्ज़े बढ़ेंगे, जो आम आदमी पर उसके असरात होंगे, उसको भी तो मद्देनज़र रखिए ना। ये सिर्फ इतनी बात तो नहीं होती कि एक्सपोर्ट तो बढ़ने का अमल एक तवील अमल है, लेकिन ये सिर्फ इस वजह से नहीं बढ़ जाएंगी कि जनाब आपकी डॉलर की कीमत जो है बढ़ गई है, रुपए की कीमत कम होगी, वो तो उस वक्त बढ़ेंगी जब आपकी कंपेटेबल होगी बांग्लादेश के मुकाबले में, इंडिया के मुकाबले में, मिस्र के मुकाबले में आपकी मसनूआत जो हैं मार्केट में सस्ती होंगी, मयारी होंगी। उस तरफ कोई बहुत ज़्यादा तवज्जो 100 दिन के अरसे में नहीं दी गई। अब मैं आता हूँ उस तरफ आ रहा हूँ। देखें,
कतर के साथ ये मुआहदा जिस हुकूमत ने भी किया ठीक है, हमें हर मुआहदे को एहतराम देना चाहिए, उसको तकद्दस हासिल होता है। बैन अल-अक़वामी दुनिया में ऐसा होता नहीं कि एक हुकूमत मुआहदा करे दूसरी आके उसका, लेकिन इस पर जो है नेगोशिएशन हो सकती है, उसकी भी एक प्राइस होगी। हम तो ये समझ रहे हैं कि उस मुआहदे पर नेगोशिएशन की जब हुकूमत ने बात की या करप्शन की बात की, तो उसके बाद हमें 1,00,000 मुलाजमतों का तोहफा मिला, जो हुकूमत ने ऐलान किया जी कतर हमें 1,00,000 मुलाजमत देने के लिए। इसका मतलब है कतर की हुकूमत यह समझती है कि जी कहीं ना कहीं हुकूमत पाकिस्तान से या रियासत पाकिस्तान से ज़्यादती हुई है। अब कौम को ये बताने की ज़रूरत है कि जी माहदे पर अगर आपने उसको रिविज़िट करना है माहदे को, तो उसके क्या सबूत आपने इकट्ठे कर लिए हैं कि आप कहें कि जनाब यहाँ यहाँ इस माहदे में ख़िलाफ़ वर्जी हुई आलमी कवानीन की, यहाँ रियासत पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया गया, आपको बेजा फायदा। लेकिन मसला ये भी तो है ना कि कॉन्फिडेंशियल उसका सबसे मेन क्लॉज यही है कि इसको मंजरेआम पर नहीं लाया जाएगा जो भी माहदा। कॉन्फिडेंशियल तो माहदा हमारे आपके लिए है ना, हुकूमत के लिए तो नहीं है, हुकूमत के इल्म में। हुकूमत हमें सिर्फ ये बता सकती है, बतानी चाहिए कि जनाब इसमें ये कोताहियां हुई हैं, कमजोरियां हुई हैं, ठीक है, हुकूमत को कोताहियां जो भी हुई हैं पता होना चाहिए, मुआहदे के ऊपर बात करें, ठीक है। अस्करी साहब, आपसे ये क्वेश्चन है कि शाहिद खान का अनबासी कहते हैं कि कतर से एलएनजी का जो मुआहदा पिछली हुकूमत ने किया था, इससे सस्ता जो मुआहदा है वो कभी किसी मुल्क ने कतर के साथ नहीं किया है, तो वो गवर्नमेंट की फेवर में था। क्या वाकई जो पिछली गवर्नमेंट है उसने ये महंगा मनसूबा लिया सिर्फ और सिर्फ सियासी बुनियाद पर? देखिए, खाकान अब्बासी ये बात उस वक्त से कह रहे हैं जिस ज़माने में उनकी हुकूमत ने ये काम किया, वो ख़ुद भी इसमें मायदे में जो थे वो इन्वॉल्व थे, लेकिन उस वक्त से इस पे ये कंट्रोवर्सी है, और कंट्रोवर्सी इसकी प्राइसिंग की है, और उसके अलावा ये बात कि इसको सीक्रेट रखा जाएगा, कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, तो उसकी वजह से ये मामला उस वक्त भी इस पे एतराज़ात हुए थे, और 15 साल वाली बात पे भी एतराज़ हुए कि आप इतना तवीरुल मियाद मायदा किस लिए करते हैं, जबकि इन चीज़ों की प्राइसेस फ्लक्चुएट जो है वो करती रहती हैं। इस मायदे पे नज़रसानी तो हो सकती है, लेकिन यह है कि उसके लिए पाकिस्तान को अपना एक अच्छा मजबूत केस बिल्ड करना पड़ेगा कि क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से ये एतराज़ात हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के। दूसरा ये है कि वो माहदे जिनका ताल्लुक अवाम पे हो, अवाम को फ़ायदा या नुकसान पहुंचता हो, उसमें आप टर्म्स एंड कंडीशंस को सीक्रेट क्यों रखते हैं? क्योंकि ये हमारी बात समझ से बाहर है कि ये नहीं बताया जाएगा कि असल प्राइसिंग क्या है, किस तरह पेमेंट होगी, तो इस वजह से भी शकूक उभरते हैं, चीज़ें सामने आनी चाहिए। ये कोई हाई सिक्योरिटी का, कोई कॉन्फिडेंशियल सिक्योरिटी का मामला तो नहीं है, ये तो एक बिजनेस डील है, और बिजनेस डील को ट्रांसपेरेंट रखना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, जो कि इसमें नहीं रखा गया। उसकी वजह से उस वक्त भी ये एतराज़ात थे कि इसमें मशकूक किस्म के इकदामात हैं। दूसरा ये है कि कतर के साथ शरीफ फैमिली के अपने एक खसूसी रिलेशनशिप हमें नज़र आते हैं, उसकी वजह से भी ये इशू उस वक्त भी कंट्रोवर्शियल था, क्योंकि उनके एक पुराने साथी जो हैं वो कतर के अंदर हैं, और किस हद तक ये इन्वॉल्व थे। हाँ, वो कतरी ये चीज़ भी आया। डॉक्टर साहब, आप तो पावर कॉरिडोर में रहे, ये बताएं कि आपने उस 2 माह के अरसे में जब आप इक्तदार में थे, यहाँ कोई मालूम करने की कोशिश की कि इस मायदे में कहाँ कहाँ ज्यादती हुई है रियासत पाकिस्तान के साथ, और कहाँ कहाँ फ़ायदा पहुँचाया गया है किसी खानदान को या किसी ग्रुप को? देखिए, इसका ताल्लुक चूंकि फेडरल गवर्नमेंट से था, और फेडरल गवर्नमेंट की वजह से प्रोविंशियल गवर्नमेंट का इस सिलसिले में कोई अमल दखल नहीं था, किसी भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट का। इसके सारे डॉक्यूमेंट्स या चीजें जो है वो फेडरल लेवल पे फॉरेन ऑफिस के पास, या इनकी जो मिनिस्ट्री है पेट्रोलियम वगैरह की जो डील करती है एनर्जी को, उनके पास होनी चाहिए। और मैं ये समझता हूं कि इस किस्म के मायदों को सीक्रेट नहीं रखना चाहिए, ताकि हमें पता लगे कि जो कीमत हमसे चार्ज की जा रही है वो किस हद तक इससे सिंक्रोनाइज होती है, और जो चीज़ें कतर को या भी किसी भी मुल्क को दी जा रही हैं वो किस हद तक इंटरनेशनल कंपटीशन के में आ सकती हैं।
बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि जनरल बिजनेस चलता है ना, कि किसी भी दुकानदार के पास जाएं तो ये कहता है ये चीज़ मैंने आपको सस्ती दी है, किसी और को ना बताना। मुझे लगता है मुमालिक के ऊपर भी ऐसी ट्रेडिंग और ऐसी बिजनेस चलता है। ठीक है, आप हमारे साथ ही रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब से, जो इस्लामाबाद से हमारे साथ है। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, कतर से मुआहदे चल रहे हैं और 1,00,000 नौकरियाँ भी ऑफर हुई हैं, मुआहदे की निगोसिएशन से पहले आपको नहीं लगता कि 1,00,000 नौकरियों के ऊपर सबसे पहले बात होनी चाहिए थी? और अगर ये निगोसिएशन होती है तो कतर और पाकिस्तान इनके ताल्लुकात पर कोई असर पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये दो हिस्से हैं। 1,00,000 नौकरियों की ऑफर, ये तकरीबन 2 साल पहले जनरल बाजवा ने जब विजिट किया था कतर, सऊदी अरेबिया वगैरह, तो कतर में उन्होंने जिक्र किया था कि हम यहाँ पे वर्ल्ड कप कराना चाहते हैं, वर्ल्ड कप फुटबॉल का होना है, उसके लिए पाकिस्तान हमें सिक्योरिटी दे। तो उस वक्त उनको तजवीज़ दी गई थी कि आपके लोगों को हम ट्रेन कर देते हैं, वो सिक्योरिटी के लिए वो खुद आपके लोग करें, और दूसरे काम जो कि वहाँ पे जॉब्स वगैरह हैं उसके लिए आप हमसे लोग मंगवा लें। तो उन्होंने 1,00,000 के करीब लोगों की रिक्वेस्ट की थी उस ज़माने में, और ये अंदाज़ा नहीं कि वो कितने अरसे के लिए 1,00,000 होंगे। अगर वर्ल्ड कप के बाद वो लोगों को कुछ को वापस भेज देते हैं या ज़्यादा को वापस भेज देते हैं तो वो शरायत जब सामने आए तो फिर पता लगेगा, लेकिन ये काफ़ी देर से ये किस्सा चल रहा था। दूसरी बात है जो अब आप बात कर रहे हैं एग्रीमेंट की, जो कि हम LNG ले रहे हैं वहाँ से, ये बहुत दफ़ा एग्रीमेंट जो हैं वो उनमें सीक्रेसी रखी जाती है, सीक्रेट एग्रीमेंट किए जाते हैं, और उसकी वजह बुनियादी तौर पर ये होती है कि अगर कतर या कोई भी मुल्क वही चीज़ 10 मुल्कों को बेच रहा है या 5 मुल्कों को वो ऑलरेडी दे रहे हैं और आपके साथ कोई खसूसी ताल्लुक की वजह से खसूसी रियायत करते हैं, तो उनको ये परेशानी होती है कि अगर ये माहदा पब्लिक में आ जाए तो दूसरे भी बायर जो है उनसे, दूसरे ख़रीदार भी वो रियायतें मांगनी शुरू कर देंगे और उनके लिए मुश्किल हो जाएगी, वो अपनी आमदन इस तरह कम नहीं कर सकते। लिहाजा वो आपको कहते हैं कि जी आपके साथ चूंकि हम ये खास रियायत कर रहे हैं, आप माहदे को पब्लिक नहीं करेंगे, और अगर आप पब्लिक करेंगे तो माहदा ख़त्म हो जाएगा, या आपको हम उसी रेट पे देना शुरू करेंगे ये जो कि दूसरे ममालिक को दे रहे हैं। तो ये पॉसिबिलिटी मौजूद है कि हमें सस्ती मिल रही हो गैस उस रेट से जो कि कतर किसी और को दे रहा है। दूसरी तरफ ये है कि हुकूमत को ये होमवर्क करके जाना चाहिए कि कतर से जितने भी मुल्क गैस खरीद रहे हैं, क्या उनमें से कोई ऐसा मुल्क है जो हमसे सस्ती ले रहा है? अगर तो सस्ती ले रहा है कोई गैस, तो फिर तो केस है, आप जाके डिस्कस कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं कि जी फलां को आप इस रेट पे दे रहे हैं, हमें भी इस पे दें। लेकिन अगर ये नहीं है तो फिर कतर के साथ आप जाके बातचीत करके मिन्नत तो कर सकते हैं उनकी कि मिन्नत समाजत के जी कुछ और रियायत कर दे। ये नहीं हो सकता कि वो आपको फौरी तौर पर किसी एक मिसाल के को सामने रखते हुए वो आपको सस्ता कर दें, वो नहीं होगा, क्योंकि अगर वो पहले ही आपको सबसे सस्ती चीज़ दे रहे हैं तो वो उसमें मजीद कमी नहीं करेंगे, सवाए इसके कि आप इमदाद के तौर पे मांगें, जिस तरह के आपको डाउन ये आपको डेफर्ड पेमेंट पे चीज़ें मिल रही हैं, हो सकता है कोई इस तरह की कंडीशन उसमें वो दे दें। उसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि कोई होगा, और मुझे नज़र यही आता है कि वजह यही है कि गालिबन वो आपको कुछ मुल्कों की निस्बत ज़्यादा सस्ती गैस दे रहे हैं। अगर ये दुरुस्त है तो फिर लाजमन ये माहदा रिवाइज़ नहीं होगा। तो उस लिहाज से मेरा ख्याल है कि इस पे हमें इंतज़ार करना चाहिए जब तक कि हुकूमत जाके वहाँ पे बातचीत नहीं करती, क्योंकि अभी तक कोई डिटेल्स किसी भी तरह की सामने ऑफिशियली तो चले नहीं आई, अनऑफिशियली भी अगर कहीं से आ जाती नहीं, लेकिन मेरी नज़र में शायद खाकान अब्बासी साहब की वो स्टेटमेंट मौजूद है कि हमने सबसे ज़्यादा सस्ती गैस खरीदी है, किसी और मुल्क को इस कीमत पर नहीं मिली, और ये अगर दुरुस्त है तो फिर माहदा लाजमी बात है। अगर इतनी सस्ती मिले तो वाकई फिर तो निगोशिएशन का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, इसी पर करेंगे। और डॉलर की प्राइस अगर बढ़ जाए तो क्या वो नीचे आ सकती है, इसकी पॉसिबिलिटीज हैं? इस पर भी हम अपने मेहमानों से बात करेंगे, और पाकिस्तान इंडिया जो रिलेशनशिप है इस पर खास बात होगी। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। एक बार फिर से हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इकराम उल हक, लाहौर स्टूडियो से इकोनॉमिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, इज इट पॉसिबल कि डॉलर प्राइस हाई पर जाए और फिर उसको रिवर्स गियर लग जाए, पॉसिबल दिख रहा है आपको? जी बिल्कुल हो सकता है। देखिए, जैसे मैं अर्ज़ कर रहा था कि अगर आज आप एक बॉन्ड फ्लोट करें जिसका रेट जो है वो यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर
जो इस वक्त इंटरेस्ट रेट 1.5% है उससे 1% ज़्यादा हो, जैसे कि बहुत से मुल्कों ने अपने NRI, जैसे इंडिया का आपको देखे NRI का मॉडल था, जिन्हें नॉन रेजिडेंट इंडियंस कहते हैं, उन्होंने अपने मुल्क में बहुत ज़्यादा जो थी वो बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट की और देखते देखते उनको कई बिलियंस ऑफ डॉलर आए, जिसके बाद फिर इंडियन इकोनॉमी ने बहुत 8% का भी GDP रेट जो है वो इस साल अभी फर्स्ट क्वार्टर में वो उससे भी क्रॉस कर गए हैं। तो शुरू में ख्याल था गवर्नमेंट का कि इसको भी करेंगे, मगर कुछ ब्यूरोक्रेट्स जो वहाँ पुराने बैठे हुए हैं, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में हैं चाहे वो स्टेट बैंक में हैं, वो ऐसे काम करने नहीं दे रहे, या क्या मसला है मुझे समझ नहीं आ रही। आते ही आपको याद होगा कि हमारे वजीर ख़जाना मोहतरम ने फरमाया था कि जो डिस्पोरा बॉन्ड हैं जो हमारे एक्सपैट्रिएट को देने हैं वो तो तैयार है, अगर हमें वहाँ से 3-4 बिलियन की जो है वो आ जाती उन बॉन्ड्स के अगेंस्ट अमाउंट और कुछ हमें ये मिल जाता तो हमें और ईज आउट हो जाते और हमें लेने भी चाहिए और उसको हम पे बैक करने की पोजीशन में भी हैं। देखिए करेंसी का मामला यही होता है कि अगर आपकी पोजीशन बेहतर होगी, अगर आपके रिजर्व्स बेहतर हो जाएंगे तो आपकी जो पैरिटी है वो भी ठीक हो जाएगी। अगर आपकी डॉलर वर्सेस पाक रुपीस की पैरिटी ठीक करनी है तो आपको इकॉनमी को मजबूत करना होगा, इकॉनमी को मजबूत करने के लिए जो फंडामेंटल्स हैं जैसे मैं पहले अर्ज़ कर रहा था उनको दुरुस्त करना होगा, सिर्फ आपको अलामात का इलाज नहीं करना होगा बल्कि आपको जो उसके कॉजेज़ हैं उसको रिमूव करना होगा। कॉजेज़ में देखिए हमारे जैसे अभी एग्रीकल्चर के अंदर हम बहुत सा एक्सपोर्टेबल स्टॉक बना सकते थे, हमने वो तो नहीं किया, उल्टा फार्मर्स की लाइफ मिजरेबल बना दी है कि उनकी इनपुट्स इतनी महंगी कर दी, जबकि आप देखें कि साथ वाले मुल्क में उनको बिजली की भी प्राइस नहीं चार्ज की जाती। हमारी टेक्सटाइल बाहर से कपास मंगवाती है, हालांकि हम एग्रीकल्चर मुल्क हैं, वहाँ पर उन्होंने इतनी सब्सिडीज़ दी बांग्लादेश इंडिया में चाइना में कि आपकी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट भी कंपेटेबल नहीं रही, आपने बिजली बढ़ाई, आपने टैक्सेस बढ़ाए। बिल्कुल बिल्कुल, आप ही की बात को आगे मैं लेकर चलती हूं कि ये इस गवर्नमेंट ने क्लेम तो बहुत किए हैं और हुआ क्या है इसी पर हम बात करते हैं। फिरदौस शमीम साहब हमारे साथ मौजूद है। फिरदौस साहब, जैसा कि आपने सुना डॉक्टर इकराम कह रहे हैं कि हमसाए ममालिक तो यही करते हैं कि किसानों को मजबूत बना रहे हैं, उनको सब्सिडी दी जा रही है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने इक्तदार में आने से पहले क्लेम यही किए थे कि किसानों की मदद की जाएगी, इनको सब्सिडी दी जाएगी, लेकिन फिर उन्हीं की जो इस्तेमाल शुदा जो करदा चीजें हैं उन्हीं को मुश्किल बना दिया गया, तो फिर क्या सोच रही है गवर्नमेंट गरीब आवाम के लिए, किसानों के लिए? पहली चीज ये कि डॉक्टर साहब से भी और आप सबको पता है कि जो हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उसको सब्सिडी दी गई है, बिजली और गैस के निर्ख उनके लिए फिक्स कर दिए गए इन डॉलर टर्म्स, सो दैट वो अपनी फोरकास्टिंग बेहतर कर सके। किसानों के लिए जो पैकेज है वो तैयार हो रहा है, जिसका जिक्र भी हुआ, तो उनकी इनकम सप्लीमेंटेशन के लिए भी बात हो रही है और साथ साथ ट्यूबवेल के ऊपर वो जी मैं आपको बताया ना, ट्यूबवेल के पानी के लिए जो है वो रेट जो है has become 1/3 of जो previously होता था। तो ये कहना कि सब्सिडी नहीं दी गई, अब जहाँ तक और सहूलत लेज़र की बात हुई है कि लेज़र कंट्रोल इक्विपमेंट देना, उसके लिए कर्जे देना, ये बात हुई है कि किसानों के लिए लोन जो है उसकी मकदार 3 गुना बढ़ाई जा रही है। ये तो अभी 100 दिन के प्रोग्राम के ऊपर भी आपने देखा, असद उमर ने बात की, तो एक्सपोर्ट के लिए भी सपोर्ट है और फार्मर के लिए भी सपोर्ट है और ये दोनों चीज़ें, और उसके साथ साथ हम तमाम इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी सपोर्ट करते हैं, जिसके ऊपर ख़ास तौर पे एक इंडस्ट्री के ऊपर ख़ास तवज्जो है, विच इज़ दी हाउसिंग इंडस्ट्री या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं कि इसको बूस्ट दे के लोगों के लिए घर आए, इससे 2 फायदे हैं, सोशल सेक्टर इम्प्रूवमेंट है प्लस एम्प्लॉयमेंट है। तो ये जो ख़ास ख़ास चीदा चीदा चीज़ें हैं जो PTI के मैनिफेस्टो में भी थी और वो इम्प्लीमेंटेशन में आ रही है, और कोई देखिए इट्स नॉट पॉसिबल कि आप बग़ैर पॉलिसी फ्रेमवर्क्स के चेंजेस के लेजिस्लेशन की चेंजेस हो नहीं पा रही, क्योंकि अपोजिशन ने एक स्टैंड लिया हुआ है कि शहबाज शरीफ को जब तक आप पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन नहीं बनाएंगे हम कोई और कमेटी बनने नहीं देंगे, बग़ैर कमेटियों में जाए हुए लेजिस्लेशन नहीं आ सकती, बग़ैर लेजिस्लेशन को लाए हुए फोरक्लोजर लॉ नहीं तब्दील किए जा सकते, बग़ैर फोरक्लोजर लॉ को तब्दील किए बग़ैर हाउसिंग की फाइनेंस नहीं हो सकती। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इनडायरेक्टली इन लोगों ने रोक दी हैं बाय द पॉलिटिक्स दे आर डूइंग। तो वी आर वॉकिंग अ वेरी टाइट रोप
और हमें पता है और इंशाल्लाह हम इस सिचुएशन से डील करेंगे जैसे जैसे उनको हमारे अज़म का अंदाज़ा होता जाएगा। और ये सारी चीज़ें एक ही वजह से की जा रही हैं कि पीटीआई ने एक और अपने प्रोग्राम के जो उसके मैनिफेस्टो का कॉर्नर स्टोन है विच इज़ दिस बैटल अगेंस्ट करप्शन, जब तक वो उनकी कोशिश है कि इनको इतना तंग करो कि ये हम पे ढीला हाथ रखना शुरू करें, और हम ये कह रहे हैं हमने ढीला हाथ नहीं रखना, हमने करप्शन को भी एक्सपोज करना है, अक्रॉस द बोर्ड करना है। बिल्कुल बिल्कुल, करप्शन को एक्सपोज करना भी बिल्कुल जरूरी है उसका। ठीक है हसन साहब, आप फरमाएगा कि रुपए की कदर में कमी और डॉलर में इजाफा, इसका ताल्लुक वजीर खजाना कहते हैं कि आईएमएफ से नहीं है, ऑपोजिशन यही कह रही है कि हो गई है कोई डील, और जबकि ट्रेडर्स भी ये कहते हैं कि आईएमएफ से कर्ज की शराइत का नतीजा है। देखिए बुनियादी तौर पर जो प्राइस जो उसकी डॉलर और रुपी की जो रेशो है वो आजकल का जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम है वो सेमी कैपिटलिस्ट सिस्टम है जिसके अंदर एक फैक्टर से आप इसे कंट्रोल नहीं करते, बल्कि जब तक आपकी ग्राउंड रियलिटीज इकोनॉमी की चेंज नहीं होती उसमें कोई एफर्ट नहीं की जाती। आपकी जो एबिलिटी है इस प्राइस को मैनेज करने की वो कंप्रोमाइज हो जाती है, तो इसलिए जब तक आपकी इकोनॉमी अपने पाँव पर खड़ी नहीं होती और जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इम्बैलेंस है उसको आप एड्रेस नहीं करते, उसके अलावा जिस तरह अभी ये तस्करा हुआ कि बॉन्ड्स को फ्लोट किया जा सकता है यानी आप बाहर से मोबिलाइज करें, बाहर से इन्वेस्टमेंट लें, अपने पाकिस्तानीज के पैसे को जो है वो करें कि वो इन्वेस्ट करें। लेकिन एक और प्रॉब्लम हमें जो यहाँ नज़र आती है कि इससे पहले जो हुकूमत ने बॉन्ड्स कूक बॉन्ड और दूसरे बॉन्ड फ्लोट किए थे उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा इन्होंने दिया था। मेरा नहीं ख्याल कि उस हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ आप डील कर सकेंगे। हाँ जो यूरोप के अंदर जो बॉन्ड है उससे आप थोड़ा सा ऊपर रखें तब वो तो ठीक है, लेकिन उस वक्त गैप इन्होंने काफ़ी रखा तो उसके प्रॉब्लम्स अपने होते हैं रीपेमेंट के वक्त, क्योंकि रीपेमेंट के लिए फिर आप एक और नया बॉन्ड फ्लोट करके उनकी रीपेमेंट करेंगे। तो जब तक आप इन चीज़ों को एड्रेस नहीं करेंगे उस वक्त तक ये मुमकिन नहीं। देखिए हवाला से पैसे इसलिए आते हैं कि हवाला से पैसे भेजना आसान है, अगर आप बैंकिंग चैनल से भेजें, अगर देखिए मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं जो हम यहाँ एक्सपीरियंस करते हैं कि $500 भी अगर आपके बैंक में आ जाएं तो आपसे पूछा जाता है कि इसका सोर्स बताइए, वो डॉक्यूमेंट दिखाइए जिससे हमें पता लगे ये पैसा कहाँ से आया है। तो अगर इतनी इतनी बात पे बैंक आपको ख़राब करता है $500 के लिए भी, वो कहता है कोई एविडेंस दें कि आपके बेटे ने भेजा है या कहीं से आया है, वो डॉक्यूमेंट आप उनको देते हैं फिर वो उस पैसे को प्रोसेस करते हैं, जबकि हवाला से ये इश्यूज नहीं आते। तो हुकूमत को ये अंदाज़ा होना चाहिए कि 500 या 1000 या $200 किसी ने भेज दिए हैं तो उस पर बैंक जो है शक की नज़र से क्यों देखते हैं। ठीक इरशाद साहब, आप फरमाएगा कि वज़ीर आज़म का ये कहना है कि जब तक पैसा नहीं आता तो हम अपने बुनियादी वसाइल को यूटिलाइज करके तो इकोनॉमी को बेटर कर सकते हैं, जैसे सजेशंस दिए गए देसी मुर्गियों का, अंडों का, कट्टों का जिक्र भी आया और नकदी ने इसका भी मजाक बनाया, आपको नहीं लगता कि ये एक बड़ी सीरियस बात थी जिसे अगर हम समझें और जिसे यूटिलाइज करें तो वाकई लॉन्ग रन पर हमारे लिए फ़ायदा है? ये मजाक तो ऐसे बनाया गया, मैं तो हैरान हूँ। ट्रॉलिंग भी अच्छी। ये वो लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि देही मईशत में मुर्गी अंडे का कितना किरदार है। देहातों में हमने खुद देखा है, हमारी बैकग्राउंड ये है कि हर घर वो आंगन जो है वो सूना लगता है जिसमें मुर्गी एक दो मुर्गियाँ मौजूद ना हों, उसके चूजे चूँ ना कर रहे हों, वो अजीबोगरीब लगता है। और फिर एक शख्स घर में अगर 10 मुर्गियाँ हैं तो उनको लोगों को यहाँ शहर में रहने वाले जो मुर्गी खोर लोग हैं उनको पता ही नहीं है कि उनसे उनकी मईशत चल रही होती है, बजाय इसके कि आप बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम के ज़रिए आप उनको 2000 या 3000 रुपये महीना मुफ्त पे लगाएं, इमदाद पे लगाएं और मुफ्त की आदत डालें, उनको अगर 2000 रुपये महीने की बजाय 4 मुर्गियाँ हर महीने लेकर दें और एक साल में वो इस काबिल हो जाएंगे कि आपसे वो इमदाद नहीं लेंगे। बिल्कुल। और अख़ुवत फाउंडेशन ने जो 10,000 और 20,000 की इमदाद दी है उसमें ये एक मंसूबा भी शामिल है कि जी आप मुर्गियाँ पालें, आप बकरियाँ पालें, आप भेड़ें पालें, आप ये छोटी चीज़ें हैं और इससे देही मशीन चलती है। एक बात
दूसरी बात यह है कि क्या हम सिर्फ बड़े मंसूबों से ही तरक्की कर सकते हैं? दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ। हमेशा जो घरेलू सनतें होती हैं, छोटी सनतें होती हैं, छोटे कारोबार होते हैं, उससे ही ये गुर्बत का खात्मा होता है। और आगे जाके क्योंकि बड़े कारोबार में या बड़ी अगर जो है कारखाने लग रहे हैं तो वहाँ तो आपको तजर्बाकार पढ़ी लिखी लेबर की ज़रूरत है। एक अनपढ़ खातून जो है वहाँ क्या कर सकती है? और फिर वो देहात से शहर में आए, इसके और मसाइल हैं क्योंकि आपने देहात में तो सनतें लगाई नहीं हैं। तो मैं समझता हूँ ये इस तरह के सिर्फ यही नहीं, आप बतखें भी पालें, आप बिल्कुल बिल्कुल सफ़ेद तीतर पालें, आप बहुत सारे और चीज़ें पाल सकते हैं और आपकी मईशत बेहतर हो सकती है। देही मईशत जो है असल में ये मजाक उड़ाने वाला वो तबका है जिनको अंदाज़ा ही नहीं है कि बरतानिया में 50 के अशरे में जो एक साल में एक फी कस गोश्त की एक किलो की एक किलो की जरूरत एक किलो गोश्त खाता था, आज यहाँ हमारी कौम भी इंडोर्स करेगी। अमजद साहब आप फरमाएगा कि गवर्नमेंट छोटे छोटे इकोनॉमी प्लान्स तो दे रही है, लॉन्ग रन के प्लान्स के लिए बड़ी पेशेंस की जरूरत है, और पेशेंस हम देख रहे हैं कि ना तो नाकदीन में है ना अपोजिशन में है, तो आवाम में कैसे आएगी? देखिए ये इसको दो हिस्सों में देखिए, जो बताया जा रहा है जैसे मुर्गियों का या बकरी गाय भैंस, ये लोगों को रोजगार मुहैया करने का तरीका है जी। बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक जो बनाया यूनस ने, उसको नोबल प्राइज़ मिला पावर्टी एलिविएशन के लिए, और उसने इसी तरह के छोटे छोटे मंसूबे वहाँ पे लॉन्च किए थे जो गरीब लोगों को रोज़गार जिससे मिला, जिससे कुछ सालों में उनके वो जो जो एसेट थे वो बढ़ गए, भैंसें वगैरह उनकी अपनी मलकियत बन गई, कर्जा उतर गया, फिर वो दूध दे के सारे पैसे खुद वसूल करते थे और इस तरह वो लोग खुशहाल हुए। ये एक मॉडल सखर के इलाके में चलाया था जो मुझे याद है, मुझे पता है कि वो कामयाब रहा वहाँ पे। अब चीज़ ये है कि जहाँ तक इकोनॉमी को ठीक करना वो तो ठीक है, आपने लॉन्ग टर्म मेजर्स लेने हैं, लेकिन आम आदमी क्या उतनी देर इंतज़ार करे कि उसके, क्योंकि जो भी आपने इकोनॉमी में बेहतरी लानी है उसके सम्राट जब तक नीचे लेवल पर आम आदमी तक नहीं पहुँचेंगे तो आम आदमी के लिए तो वो बमानी चीज हो जाती है कि आपने ये कर दिया वो कर दिया। आम आदमी के लिए ये इकदामात उठाए जा रहे हैं, लेकिन आम आदमी को समझाना और बताना भी बहुत जरूरी है। इस पर ये बात कर रहे हैं बहुत मुश्किल। अब उसमें किसान और हल्ला का यहाँ पंजाब में भी एक मॉडल मौजूद है जो कामयाब मॉडल था लेकिन हुकूमत की बेतदबीरी की वजह से खत्म हो गया। ठीक, पाकिस्तान और भारत को अगर बेहतरी लानी है तो क्या पाकिस्तान सेक्युलर रियासत ही बनना है? इसी पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे अब पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से। पाकिस्तान एक जानब हाथ बढ़ा रहा है दोस्ती का और दूसरी जानब हम देखते हैं भारत की रिवायती हठधर्मी, और साथ ही साथ पाकिस्तान को ये मशवरा कि अगर ताल्लुकात को बेहतर करना है तो पाकिस्तान को भी सेक्युलर रियासत बन जाना चाहिए। इसी पर हम बात करेंगे जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब से। अमजद साहब, भारत आए बाएं शाये करता जा रहा है ऐसी बातें करनी और पाकिस्तान को कह रहा है कि वो सेकुलर रियासत बने, इसका मशवरा, फिर तो इसका मतलब है कि बात को गुजारने की कोशिश है ताकि पाकिस्तान कहीं ना कहीं घूम घुमा के मसला कश्मीर पर ना ही आए, उससे जान छुड़ाने की कोशिश है भारत की। देखिए सेकुलर रियासत बनने का तो कोई किस्सा नहीं है, ना ही कोई हमें कह सकता है। हमारी अपनी एक आइन है और हमारे अपने आइन के मुताबिक हम एक इस्लामी रियासत हैं और यही हमारी असास है, यही बुनियाद है, इसी बुनियाद पे हमारा मुल्क बना था। ये कोई भी दुनिया की ताकत आपको मजबूर नहीं कर सकती कि आप उस पर करें। असल झगड़ा क्या है? असल झगड़ा ये है कि आपने करतारपुर का जो कॉरिडोर खोला वो तो बड़ा अच्छा किया, बहुत अच्छी बात हुई, उससे सिखों में गुडविल हुई, लेकिन दूसरी तरफ आपने उसी के साथ वो दावतनामा जारी कर दिया वहाँ पे सुषमा स्वराज के लिए। आज ये दो महीने पहले आपने दावतनामा दिया था यूनाइटेड नेशन में बातचीत के लिए, जो कि वो रद्द हो गया, उन्होंने आपको बातचीत करने से मिलने से इनकार कर दिया। खान साहब ने कहा कि छोटे जेन के लोग जो हैं वो बड़े उहदों पे बैठे हैं, तो दो ये खान साहब को सोचना चाहिए था कि दो महीने में क्या छोटे जेन बड़े हो गए हैं, ये दो महीने में क्या ऐसी बात हुई थी जो इनको दोबारा दावतनामा देने का ख्याल आया। असल चीज ये है कि उसी दिन
इस्लाम यहाँ कराची में हमारे चाइना के कौंसल खाने के ऊपर एक अटैक होता है और बीएलए उसके लेता है जिम्मेदारी, और बीएलए के सारे कनेक्शन हमें पता है, कुलभूषण के जरिए हमें सारा कुछ पता था, और भारत हमें कहता है कि जी हम टेररिस्ट हैं, जब तक टेररिज्म बंद नहीं होगा हम बात नहीं करेंगे। पाकिस्तान को कहना चाहिए कि जब तक भारत पाकिस्तान में टेररिज्म बंद नहीं कराता हम भारत से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं करेंगे। ये चीजें 75,000 लोग मारे गए, आपके खून आपका बह गया, भारत आपको टेररिस्ट दुनिया पूरी में मशहूर कर बैठा है, हर कोई आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है, क्योंकि भारत का नैरेटिव दुनिया में बिका है, आप बोले नहीं, वो सारी दुनिया में उसने कायल कर लिया कि जी हम मरे भी हम और टेररिस्ट भी हम ठहरे। ये वो दुख है जिसको कोई एड्रेस नहीं कर रहा, और हम बड़े अच्छे बच्चे बनने के शौक में हम गुडविल 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 क्रिएट करनी है, किस बात की गुडविल, आप हमारे जख्मों पर नमक छिड़कते हैं, लोग हमारे मरते हैं और आप गुडविल के चक्कर में पड़े हुए हैं। ये चीज जब दुनिया को आप बताएंगे नहीं कि भाई हमने कुर्बानी नहीं दी, हमारे लोग कत्ल किए गए हैं, हमारे लोगों को बाहर से आके आपके लोगों ने जो अमेरिका के नाक के नीचे होता रहा है, अफगानिस्तान में बैठ के इंडिया कर रहा है और अफगानिस्तान की वो एनडीएस कर रही है, अमेरिका को सारा पता है, ये उनकी मर्जी से हो रहा है, तो क्या हम उन लोगों को ये बता नहीं सकते कि ये कुर्बानी नहीं है, ये हमारे लोग कत्ल हुए हैं और आप लोगों ने ये कत्ल किया है। हमारी पार्लियामेंट को जाके पास करना, पार्लियामेंट को रेजोल्यूशन पास करनी चाहिए कि हुकूमत अमेरिका से 120 बिलियन डॉलर का मुतालबा करे जो नुकसान हुआ है उसके आने की वजह से, और उससे मुतालबा करे कि 75,000 लोग जो मारे गए उनकी फैमिलीज की कफालत करे। वो आपको देते या नहीं देते, लेकिन ये आपका इखलाकी हक है कि आप मांगे उनसे। अगर आप ऑफेंसिव में नहीं जाएंगे, सारी उम्र डिफेंसिव में रहेंगे, तो आपको डू मोर के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अमजद साहब, ऑनली हर इंटरनेशनल फोरम पर हमारा जो केस है इंडिया के अगेंस्ट वो वीक ही हो जाता है। मेरा क्वेश्चन है हसन अस्करी साहब से, हसन साहब करतारपुर बॉर्डर खोला, देखिए मेरी बात सुनिए एक मिनट, जी 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 एक मिनट में एक बात कर दूं, जी जी देखिए आपके वो जो उनका बॉम्बे का अटैक हुआ था, उन्होंने तमाम दुनिया में जहां जहां मशहूर कैपिटल्स हैं वहां पे उसकी 10वीं वो सालगिरह 10वीं एनिवर्सरी मनाई है। उस एनिवर्सरी में उन्होंने लोकल लोगों को बुला के, लोकल लीडर्स को बुला के उनसे तकरीरें करवाई और पाकिस्तान का वहां पे इमेज खराब किया और पाकिस्तान से मुतालबा कराया है कि ये यहां पे पाकिस्तान इन लोगों के खिलाफ एक्शन करे। क्या पाकिस्तान को पता नहीं है कि आर्मी पब्लिक स्कूल का वाकया पूरी दुनिया ने कंडेम किया था, इतना नाजुक इतना वाकया जिस जो आज दिन तक हमारी रूहों पे जख्म, बिल्कुल अब वक्त आ गया टिट फॉर टैट का सीन होना चाहिए, ठीक है, इंडिया में लिंकेज इंडिया की मौजूद थी, क्यों नहीं पाकिस्तान दुनिया में बताता ये, ठीक है। हसन साहब आप फरमाए करतारपुर बॉर्डर खोला बड़ा ही काइंड जेस्टर था पाकिस्तान की जानिब से, लेकिन आज हमने देखा कि हमारे मिनिस्टर्स ये कह रहे हैं कि हमने गुगली मारी है और हमारे आर्मी चीफ ने जफ्फी डाल ली सिख बरादरान को, तो भारत में सफ़े मातम बिछ गया। ये कैसी डिप्लोमेसी है, क्या फायदा होगा पाकिस्तान को इससे, ये तो हमारा काइंड जेस्टर था, इसमें पॉलिटिकल स्टंट की जरूरत क्या थी, मैं सिर्फ समझना चाह रही हूँ आखिर इसकी वजह क्या थी, जरूरत क्या है ऐसी हमें बात करने की। देखिए डिप्लोमेसी की एक अपनी ज़ुबान होती है, जब उसमें गैर ज़रूरी चीज़ें आप दखल देते हैं गालबन अवामी सतह पर पॉपुलर होने के लिए, तो उससे डिप्लोमेसी ख़राब होती है। ये पाकिस्तान ने जो फैसला किया करतारपुर का, ये अच्छा फैसला है, इससे आप एक गुडविल जनरेट करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर। जहाँ तक हिंदुस्तान से ताल्लुकात की इम्प्रूवमेंट का बात है, उसके फिलहाल कोई इम्कानात नहीं है, फॉरेन ऑफिस को ये पता होना चाहिए, और फॉरेन ऑफिस वालों ने, फॉरेन मिनिस्टर ने ये बात कही भी है, लेकिन इसके बावजूद जो है हमारे यहाँ इस किस्म के बयानात आते। इस वक्त हिंदुस्तान जो है अपनी उस पॉलिसी को, जो पाकिस्तान को बदनाम करने की पॉलिसी है, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की, पाकिस्तान पे प्रेशर बिल्ड करने की पॉलिसी है, इस स्टेज पे मोदी की हुकूमत इस पॉलिसी को चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वो इस पॉलिसी को चेंज करती है तो उसका जो सपोर्ट बेस है डोमेस्टिक पॉलिटिकल सिस्टम में, राइट विंग हार्ड लाइन हिंदू ऑर्गेनाइजेशन जिन्हें हम संघ परिवार के नाम से याद करते हैं, वो सपोर्ट बेस इरोड हो जाता है। लिहाजा अगले इलेक्शन तक हिंदुस्तान जो कि मेरा ख्याल मार्च अप्रैल में होंगे, हिंदुस्तान से ताल्लुकात में कोई बुनियादी तब्दीली की आप उम्मीद ना करें। हाँ ये जरूर है कि जो आपने गुडविल जेस्चर दिया वो अच्छा है। दूसरा ये है कि जो इंटरनेशनल लेवल पे जो इमेज की प्रॉब्लम है पाकिस्तान की, वो है, उस इमेज प्रॉब्लम को आपको डिप्लोमेटिक लेवल पे फैक्ट्स जो हैं सिचुएशन के, टेररिज्म के फैक्ट्स जो हैं वो मुअस्सर तौर पर पेश करना होंगे। बदकिस्मती से हमारे डिप्लोमेटिक चैनल्स जो हैं इस चीज को मुअस्सर तौर पर पेश नहीं कर पाते, यानी कम्युनिकेशन। इसी पर हम बात करते हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब से। फिरदौस साहब,
मिनिस्टर जब इक्तदार में आए तो उन्होंने सबसे पहले मुज़ाकरात की दावत दी, फिर हमने देखा कि करतारपुर बॉर्डर राहदारी खुल जाती है, इंडियन जर्नलिस्ट यहाँ पर आते हैं, वजारत खारजा उनको डिनर देता है, क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, बड़ा ही काइंड जस्टर है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन फिर हमारे कुछ मिनिस्टर्स जो हैं वो इस तरह की बात करते हैं कि सफ़े मातम बिछ रही है भारत में, और जी हमने बड़ी शानदार गुगली खेली है, भारत हैरान रह गया, ये वो, ये बातें क्या करनी चाहिए, कन्फ्यूज़ हैं, क्या मसला है? क्योंकि सार कॉन्फ्रेंस से भारत ने मना कर दिया, और जैसे कि जनरल साहब कह रहे थे कि अब वो वक्त है कि टिट फॉर टैट, जैसा भारत करता है उसको वैसे ही आंसर करना चाहिए। और एक क्वेश्चन और आप ये देख लीजिए कि अगर पाकिस्तान सख्त रवैया अपनाता है तो इसका जो है फ़ायदा होगा बीजेपी को, नहीं होने वाला, क्योंकि बीजेपी का स्टांस है पाकिस्तान के अगेंस्ट, अगर पाकिस्तान अपना स्टांस सख्त रखता है तो फिर इसका फायदा हो जाएगा बीजेपी को, लेकिन हमें अपना रवैया सॉफ्ट रखना है क्योंकि इलेक्शंस आने वाले हैं इंडिया में, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि अब अप्रैल में नेगोशिएशन होगी, तो क्या ये गवर्नमेंट कंसिस्टेंस रहेगी मुज़ाकरात की बात अब दोबारा अप्रैल में शुरू करेगी? देखिए बुनियादी चीज पे कि वजीर आजम साहब ने भी कहा कि पाकिस्तान और इंडिया का अगर कोई एक मसला है तो बुनियादी तौर पर कश्मीर का मसला है, और कश्मीर के मसले को हाईलाइट करने के लिए भारत के जुल्म और बर्बरियत को बयान करना बहुत ज़रूरी है, और भारत के जुल्म और बर्बरियत जिस जबान से बयान किया जा रहा हो, पहले वो जबान ख़ुद भी अपने अमल के लिहाज से एक पीसफुल नेशन नज़र आना चाहिए, एक पीस लविंग नेशन नज़र आना चाहिए, एक ऐसे मुल्क नज़र आना चाहिए जो अमन की ख्वाहिशमंद हो। मैं समझता हूं कि करतारपुर की जो हमने की है बॉर्डर ओपनिंग, ये उसी का एक उस मंजिल की तरफ हम जा रहे हैं कि दुनिया में ये जो पाकिस्तान का इमेज डिस्ट्रॉय कर दिया गया है कि पाकिस्तान जो भी टेररिज्म का वाकया होगा वो पाकिस्तान से जनरेट होता है, अफगानिस्तान में अमन नहीं हो रहा तो उसकी वजह पाकिस्तान है, जबकि वो जंग न हमारी थी, हम पर मुसल्लत की गई, हम तो 1984 से अफगानिस्तान में एम्ब्रॉयल्ड हुए हुए हैं, पहले अमेरिका ने एम्ब्रॉयल किया, दोबारा भी अमेरिका ने एम्ब्रॉयल किया, पहले हम रशिया को हराने के लिए गए, दूसरी दफ़ा जो है हम 9/11 के बदले के लिए गए, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी ज़मीन इस्तेमाल की अमेरिका ने, अब ये वक्त आ गया है कि हमारे हमें अपनी पॉलिसीज़ खुद सेट करनी है, और उन पॉलिसीज़ में सबसे अहम चीज़ है कि जो पाकिस्तान का बुनियादी करेक्टर है विच इज़ अ पीस लविंग नेशन, हम अपने तमाम नेबर्स के साथ अमन चाहते हैं, हमें सेबर रेटलिंग से कोई फ़ायदा नहीं, मैं नहीं समझता कि इससे कोई फायदा, पीस लविंग नेशन है शाह साहब, आप बताइएगा पाकिस्तान तो पीस लविंग नेशन है, और ये इस खत्ते की सबसे बड़ी जंग जो है वो गुरबत के खिलाफ होनी चाहिए, भारत में भी बेतहाशा गरीब लोग हैं और पाकिस्तान में, और ये गुरबत की जंग उसी वक्त खत्म होगी जब जितना हमारे आपका कमेंट है पाकिस्तान को नरम रवैया रखने की जरूरत है। एक सेकंड, एक बात मैं करना चाह रहा हूं, नहीं मैं, मेरा ख्याल ये है, अगर अब जैसे शाह साहब एक बात यार कर लेने दीजिए, ठीक ठीक है जी, मैं एक जरा बात कर दूं फिर आप बोलिए, मैं ये कह रहा हूं कि भारत दुनिया को ये बता रहा है कि कश्मीर में भी इन्फिल्ट्रेशन हो रही है और पाकिस्तान जो है वो कश्मीर में भी दहशतगर्दी करा रहा है, जब तक आप अपने माथे से ये टैग नहीं उतरवाएंगे कि आप दहशतगर्दी नहीं कराते, कोई मसला हल नहीं होगा, ना आपके अमन की ख्वाहिश को कोई बुकत मिलेगी। असल चीज यह है कि दुनिया में आपकी क्रेडिबिलिटी इंडिया ने बर्बाद की है, बिल्कुल जब जो भी भारत के सामने ऑफर रखेंगे वो वहां से भी ठुकराई जाएगी और इंटरनेशनल फोरम पे भी पाकिस्तान का नाम खराब होगा। अच्छा साहब आपका क्या ठीक है? मैं जो बात कहने लगा हूं, जिस तरह रोजाना इमरान खान साहब, फवाद चौधरी साहब और तमाम जो हुकूमत के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि अपोजिशन ने, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने करप्शन के ज़रिए मुल्क को बर्बाद किया, इसी तरह रोज़ाना अगर हम ये नहीं कहेंगे कि इंडिया ने रियासती दहशतगर्दी के ज़रिए कश्मीर को बर्बाद किया, उसकी रियासती दहशतगर्दी पाकिस्तान में चल रही है, बलूचिस्तान में वो दहशतगर्दी कर रहा है, दूसरे सूबों में कलभूषण नेटवर्क चल रहा है या चलाने की कोशिश की जा रही है, अफगानिस्तान में उसके कैंप हैं चल रहे हैं, जब तक हम यही बात रोज़ाना की बुनियाद पर नहीं कहेंगे और दुनिया को बावर नहीं कराएंगे कि खित्ते में दहशतगर्द मुल्क जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ भारत है, जिसने 1971 में 1970 में मशरक़ी पाकिस्तान को अलग किया दहशतगर्दी के ज़रिए,
ریاستی دہشت گردی کے ذریعے اور آج پھر پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اس وقت تک ہماری بات کوئی نہیں سنے گا. دیکھیے ممبئی حملوں کا معاملہ آج تک چل رہا ہے, چلایا جا رہا ہے, لیکن جب ثابت ہو گیا ہے خود انڈیا کے جو ایجنسیز نے کہہ دیا کہ اجمل قصاب ایک لوکل مقامی شہری تھا, تو ہمارے کسی وزارت خارجہ نے, کسی وزیر اعظم نے, وزیر اطلاعات نے دنیا کو بتایا ہے؟ یہ تو روزانہ بتانے کی ضرورت ہے, میڈیا کو روزانہ بتانے کی کہ دیکھیں جی آپ کا مجرم آپ کے ہاں مل گیا ہے, اب ہمارے خلاف یہ جو زبان درازی ہے یا الزام تراشی ہے ختم کرو, لیکن ہم بول ہی نہیں رہے. ٹھیک ہے اکرم صاحب, آپ لاسٹ کامنٹ اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں. جی دیکھیں, میرا یہ خیال ہے کہ یہ بالکل غلط تاثر ہے کہ انڈیا خود ایک سیکولر ملک رہ گیا ہے. جس طرح وہاں اقلیتوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور جتنی بدترین ریاستی دہشت گردی انہوں نے کشمیری نہتے لوگوں کے ساتھ کی ہے, یہ ہماری فورن پالیسی کا بہت بڑا میں سمجھتا ہوں فیلئر ہے کہ بجائے ہم ان چیزوں کو دنیا میں ہائی لائٹ کرتے, ہم ہمیشہ ڈیفینس پہ رہتے ہیں اور جس کا نقصان ہم اٹھا رہے ہیں. یہ پیس کی خواہش بہت اچھی بات ہے, ہم ایک امن پسند ملک ہے, مگر ہمارا حق پر پہنچتا ہے کہ ہم کو ایکسپوز کریں دنیا کو, ساتھ یہ بھی باور کرانا چاہیے کہ اگر خطے میں دہشت گردی کو کوئی فروغ نہیں کر پا رہا ہے, کوئی اسے گرو کرا رہا ہے, تو وہ صرف بھارت ہی ہے. اور پاکستان کا اگر نرم لہجہ ہے بھارت کے ساتھ, تو اس سے پاکستان کی کمزوری اور بزدلی کسی نہ سمجھا جائے. آج کے پروگرام سے مجھے مدیعہ مسعود کو اجازت دیجیے, کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.